वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम जिस कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ई कैश और XECB भी आप इसको बोल सकते हो। ई कैश के बारे में हमने पहले ही कुछ दिन पहले ही बात की थी कि अच्छा कॉइन है, फंडामेंटल कॉइन है, आप इसको ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा SIP कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू एक रुपये से कम है। आज जो अगर आप देखेंगे ई कैश के प्राइस, हमने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन ज़रूर कर लेना। ई कैश के जो प्राइस हैं 52% तक ऊपर चल रहे हैं, मतलब 50% का जो प्रॉफिट है वो ई कैश ने दिया है अपने होल्डर्स को। और ई कैश के जो प्राइस चल रहे हैं अभी 0.4x 0 और 44 की सीरीज चल रही है, ठीक है, और ये प्राइस चल रहे हैं 0.003 जो प्राइस हैं वो इंडियन रुपीज़ में चल रहे हैं और 50% ऊपर चल रहा है। तो क्या रीज़न है ई कैश के जो प्राइस है इतना ऊपर चल रहे हैं? तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, आप ई कैश का एक इवेंट आने वाला है 15 मई को और इस इवेंट के अंदर ई कैश का जो है नेटवर्क अपग्रेड होने वाला है। यही एक सबसे बड़ी अपडेट है जिसके कारण आप देख रहे हो ई कैश के प्राइस अच्छे इंक्रीज हो रहे हैं और जिन्होंने भी ई कैश को ले रखा होगा आज प्रॉफिट में होंगे। मतलब जब क्रैश हुआ ये इसके भी प्राइस काफ़ी नीचे गए थे, बहुत नीचे गया था, ई कैश भी 40-40% गया था, तो जिन्होंने उस लेवल पे बाय किया होगा बिल्कुल 50% वो आज प्रॉफिट में होंगे, अभी प्रॉफिट में होंगे। और अगर आप देखेंगे ई कैश के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो 15 मई तक और भी हो सकते हैं, यहाँ से मार्केट डाउन जाता तो डाउन भी जा सकते हैं, ठीक है, मार्केट के डाउन जाने के चांसेस भी पूरे हैं। और जैसे ही डाउन जाएगा तो आप ई कैश को डाउन, क्योंकि जितना आप डिप में ई कैश को लोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा और आपको पता है मार्केट के अंदर क्रैश चल रहा है तो यहाँ पे इस पंप के अंदर आप ना आए, मतलब पंप हो रहा है तो मार्केट और ऊपर जा सकता है, तो आपको खरीदना है तो डिप के अंदर खरीदना है चाहे कोई भी कॉइन हो, ये आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तो अभी इतना ऊपर चल रहा है, 50% ऊपर चल रहा है तो डाउन भी जाएगा यहाँ से, और जैसे ही डाउन जाएगा आप एंट्री ले सकते हैं, अच्छी खासी आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगी तो आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन 15 मई को जो नेटवर्क अपग्रेड होने वाला है, ये नेटवर्क अपग्रेड आप यूं समझ लो कि XEC जो ई कैश है वो अपना लेटेस्ट वर्जन में जा रहा है, मतलब अपग्रेड कर रहा है अपने वर्जन को। जिस तरह आप जो है फ़ोन के अंदर ऐप को अपडेट करते हो उसी तरह नेटवर्क अपग्रेड से ये एक लेटेस्ट वर्जन में पहुंच जाएगा ई कैश, ठीक है। तो थोड़े बहुत यहाँ पे अच्छे सर्ज हमको और देखने को मिल सकते हैं, 15 मई को ये होने वाला नेटवर्क अपग्रेड, ठीक है। तो यही कुछ अपडेट थी ई कैश को लेके, आगे जो अपडेट रहेंगी ई कैश को लेके हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आई होप इस वीडियो में आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी और वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और आपके क्या व्यूज़ हैं ई कैश को लेके, क्या आप ई कैश का फ्यूचर देख रहे हो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस पे आप चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।